नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार तक। पिछले दिनों बिहार में हुआ आरआरबी एनटीपीसी हंगामे का मामला किसी से छुपा नहीं है। छात्रों की नाराजगी क्या थी ये भी हम सबने देखा है, पर अब ऐसा लगता है कि रेलवे मुसलसल कोशिश में लगा है कि छात्रों की नाराजगी को दूर कर सके। आपको बता दें कि इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी यानी कि सीपीआरओ राजेश कुमार ने कहा, उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड ने एक कमेटी बनाई है जो लगातार छात्रों की परेशानियां और उनकी शिकायतों को सुन रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब आरआरबी एनटीपीसी को आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ही कहा जाए, एनटीपीसी नहीं कहा जाए, क्योंकि इससे एनटीपीसी को काफी परेशानी हुई थी, आपत्ति हुई थी और एनटीपीसी ने तो यहां तक कह दिया था कि इससे उनकी काफी बदनामी हो रही है। मैं दो चीजें यहां पे स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि हम लोग इसको अब एनटीपीसी ना बोलें, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जामिनेशन ही बोलें, क्योंकि एनटीपीसी वालों ने कुछ रेज किया था कि उनका वो बदनामी हो रहा है। तो इसमें एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। यह उच्च स्तरीय कमेटी जो है देश के विभिन्न भागों में जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनसे मिल रही है और उनके सुझाव और उनके जो शिकायत हैं उनको सुन रही है। इसी क्रम में यह कमेटी फिलहाल बिहार के दौरे पर है। परसों वो पटना में थी, कल वो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर में थी, आज वो गया जाने वाली है। और कमेटी बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में सभी जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनसे मिल रही हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो सुझाव हैं उनको वो नोट कर रही है और उस पर जाकर के वो लोग अपना एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या है उनके रिपोर्ट में, क्या आता है। छात्रों ने जो मांग रखी है उसके ऊपर विचार करने का जो ऐलान किया है रेल मंत्री ने, वो इंप्लीमेंट किया जाएगा कब तक? नहीं, जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद रेलवे बोर्ड स्तर पर इस पर निर्णय होगा। इस पर अब इसे ज्यादा भी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड की गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी यानी कि एनटीपीसी की परीक्षा और ग्रुप डी श्रेणी की परीक्षा में धांधली के आरोप को लेकर बिहार और यूपी के छात्रों ने लगातार 3 दिन तक विरोध प्रदर्शन किए थे, जिसमें ट्रेनों को उन्होंने रोका था, ट्रेनों को जलाया भी था और ट्रेनों पर पथराव भी किया गया था। इसके बाद रेलवे ने छात्रों को चेतावनी दी थी कि प्रदर्शन में शामिल जो भी छात्र हैं उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। अब ऐसा लगता है कि रेलवे मुसलसल लगातार कोशिश कर रहा है कि वो छात्रों की शिकायतों को और उनकी नाराजगी को दूर कर सके। आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थी के बीच परीक्षा, नियुक्ति, पद, मेरिट और रिजल्ट को लेकर जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए भी रेलवे ने अब मुमकिन कोशिश करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में गया जंक्शन पर भी काउंटर लगाए गए हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कोई भी अभ्यर्थी वहां नहीं पहुंचा। इस बात को लेकर रेलवे काफी परेशान भी दिखा। वहीं दूसरी तरफ छात्रों का कहना है कि 26 जनवरी को हुए हंगामे और पुलिस की बर्बरता और पुलिस के एक्शन से छात्र में डर है, वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं। तो अब देखना होगा कि आगे इस मामले पर क्या कुछ होता है और देखना ये भी होगा कि क्या रेलवे छात्रों के बीच का जो डर है और क्या रेलवे छात्रों के अंदर जो शिकायतें हैं उसको दूर करने में कामयाब होगा या नहीं। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक।